मिस्टर एंड वेलकम। तो मेडिसिन आयुर्वेदा IKS में भी लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेडिसिन, बाकी का भी टॉपिक उड़ा दिया था, अच्छे से समझते हैं। तो मेडिसिन अपना इंडिया भारत है ना, उसमें आयुर्वेदा तो एशियन मेडिसिन इन इंडिया, तो आयुर्वेदा सबसे पुराना मेडिसिन है, राइट। मीन्स साइंस ऑफ लाइफ, मतलब पूरी लाइफ साइंस को लेके बनाया जाए, जिसमें चरक का संहिता इज कंपाइल्ड बाय सागा चरका दैट कवर्स दी प्रिंसिपल ऑफ डायग्नेस। जिसमें क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ क्या आता है, डायग्नेस आता है। ओके, तो इसमें ये सब चीज़ देखा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डायग्नेस। और इसमें क्या आएगा बच्चों लोग, एक सेकेंड ना, हाँ, तो सारा का संहिता में डायग्नेस, ट्रीटमेंट, रेमेडीज ये सब होता है। और उसके बाद क्या दिया है वाले में, हाँ, शुश्रुत संहिता, उसमें क्या देखा जाता है दैट फोकस ऑन सर्जिकल टेक्निक और एनाटॉमी होता है। तो सर्जिकल मतलब कटना पीटना, और पर्सनल ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन वाटा कपा पीटा। ओके, और ट्रीटमेंट इंक्लूड हर्बल मेडिसिन। कौन सा मेडिसिन, हर्बल। हर्बल बोलेगा तो जो प्लांट से बनता है, डाइटरी गाइडलाइन मतलब कैसे क्या खाना पीना है, मॉडिफिकेशन। अब इसका भी अपन इधर आगे पढ़ेंगे। दिया है सिद्धा एंड यूनानी, ये दो मेडिसिन है जो एशियंट है। तो सिद्धा यूनानी मेडिसिन ओरिजिनेट इन तमिलनाडु साउथ में हुआ था। फोकस ऑन यूजिंग नेचुरल सब्सटेंस, मतलब जो भी दवाई बन रही है वो कुदरत से बन रही है, जैसे कि मिनरल्स हो गया, राइट, है ना, मिनरल्स हो गया, ये सब से नेचर चीज़ से जो दवाई बनती है उसको बोलते हैं यूनानी और सिद्धा। लाइक नेचुरल सब्सटेंस मिनरल्स मेटल टू बैलेंस बॉडीली फंक्शन एंड ट्रीट डिजीज, बॉडी को फंक्शन करने के लिए और डिजीज को मेंटेन करने के लिए। जो सिद्धा फोकस ऑन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो सिद्धा क्या करता है वो कैसे टेक्निक है, योगा, मेडिटेशन, है ना, डाइटरी रेगुलेशन, हर्बल मेडिसिन, मतलब ये एकदम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होता है, राइट। स्पिरिचुअल बोलो तो अपने भगवान के प्रति। फिर उसके बाद दिया यूनानी, ये क्या खास है, पर्शिया से है, ईरान से है, अरब फिजिशियन ड्यूरिंग मिडिवल टाइम, मतलब मुगल के टाइम पे आया था। यूनानी मेडिसिन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ हिपोक्रेट्स एंड गैलन, ये प्रिंसिपल बेस है वो। और हमारा आयुर्वेदा पांच प्रिंसिपल पे बेस है, जैसे कि अर्थ, अर्थ मतलब जमीन होता है, पृथ्वी जिसको सॉलिडिटी बोलते, एक जगह जमे रहना, स्टेबिलिटी रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। वाटर बोले तो पानी, जल फ्लूडिटी फैलता है, कोहेशन होता है, एडेप्ट होता रहता है। फायर बोले तो आग, अग्नि जो ट्रांसफॉर्म होता है, मेटल और एनर्जी से चलाता है उसको। एयर मतलब हवा, वायु जो मूवमेंट, सर्कुलेशन, कम्युनिकेशन कराता है। स्पेस है ना, आकाश, रेफर्स टू एक्सपांशन, ओपननेस, कनेक्टिविटी। तो ये सब टॉपिक तुमको लिख देने का था, किसमें, आयुर्वेदा आया तो ये सब टॉपिक को एक्सप्लेन करा देने का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।